हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेल्टा की VFD है, ये देखिए इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है और क्या क्या इसका मॉडल नंबर है, देख लेते हैं पहले। तो इसका मॉडल नंबर ये देखिए यहाँ पे लिखा है डेल्टा VFD EL। और बाकी इसके बारे में हम इसके कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट क्या है इसका वो है। तो ये देखिए मॉडल नंबर ये लिखा है ऊपर इसका VFD 015 CV43। और इसका इनपुट है 3 फेज का दोस्तों, इसका इनपुट है 3 फेज 480 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज़ जो भी, और आउटपुट भी इसका 3 फेज में ही है 480 वोल्ट एम्पियर देख लेते हैं 4.2 और 3.3 KVA। और ये 1.5 किलोवाट यानी कि 2 HP की हमारी ये ड्राइव है, VFD है। और अब इसके हम कनेक्शन मैंने कर रखे हैं, मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैसे कनेक्शन कर रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर की साइड है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है L1 L2 L3, यानी कि ये मेन सप्लाई है हमारी, मेन 3 फेज इनपुट जो हमें VFD जिससे ऑन होती है। और अब हम नीचे चलते हैं, इसके नीचे ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक मोटर लगाई हुई है, ये इसके कनेक्शन है, ये हमारी मोटर है और ये मोटर होगी हमारी और ये कनेक्शन होगा इसके। और यहाँ पे कनेक्शन करने हैं फ्रेंड्स, अधिकतर यही लिखा होता है हर जगह, या तो UVW लिखा होगा या फिर T1 T2 T3 लिखा होगा। तो इससे समझ सकते हैं हम कि मोटर की कनेक्शन यहाँ पे होंगे। अब हम इसको चला के देखते हैं कैसे कैसे चलाते हैं। अभी जो इसके अंदर पैरामीटर डले हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या डले हुए हैं फ्रेंड्स। अभी इसके जो पैरामीटर डले हुए हैं वो एक्सटर्नल के डले हुए हैं। एक्सटर्नल का मतलब कीपैड से कुछ भी नहीं चलेगा, ना स्टार्ट स्टॉप है, ना हमारा इंटरनल पोटेंशियोमीटर चलेगा, अभी सिर्फ एक्सटर्नल चलेगा। यानी कि हम जैसे फील्ड से चलाते हैं, हम 2 वायर कनेक्शन करते हैं ऑन ऑफ के लिए, तो उसके पैरामीटर डले हुए हैं वो मैं दिखाता हूँ कौन से डले हुए हैं। अभी मैं चला के भी दिखाता हूँ आपको। और एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर के ही इसमें पैरामीटर डला हुआ है, पोटेंशियोमीटर भी और डिजिटल दोनों। तो अभी मैं इसके कनेक्शन करता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर है, ये देखिए। तो इसमें हमारे 3 कनेक्शन हैं, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये बीच वाला जो है हमारा वो आउटपुट का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अगर हमारे उल्टे हो जाए कई बार तो पोटेंशियोमीटर उल्टा चलने लग जाएगा, तो हम इसको सही कर सकते हैं आपस में कनेक्शन करके। तो अभी मैं कर देता हूँ इसके कनेक्शन, ये देखिए। इसको हम ये कीपैड में करता हूँ, आपको ये कौन से टर्मिनल पे कनेक्शन होंगे इसके हमारे पोटेंशियोमीटर के, ये 10 वोल्ट पे होंगे। अगर हम वोल्टेज एनालॉग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, एनालॉग वोल्टेज पे चलाना चाहते हैं तो 10 वोल्ट पे होंगे। ये इसका कॉमन हो गया, इसका DCM वाले टर्मिनल पे, पॉजिटिव हो गया 10 वोल्ट, नेगेटिव हो गया DCM। अब हम इसकी आउटपुट जोड़ेंगे, इसकी आउटपुट जोड़ेंगे, यहाँ लिखे देखो फ्रेंड्स AVI में जोड़ेंगे। देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है ये तीनों चीज। हमारा ये पोटेंशियोमीटर पे आ गया। अब हम इसको डिजिटल की बात करेंगे तो उसके भी कनेक्शन कर लेते हैं, 2 वायर कनेक्शन। उसके टर्मिनल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 24 वोल्ट है, यहाँ से हम 24 वोल्ट लेंगे फील्ड के लिए। ये VFD की अपनी इंटरनल 24 वोल्ट होती है फ्रेंड्स। ये हमने वोल्टेज ले लिया और इसमें फ्रेंड्स फॉरवर्ड चलानी है आपको, रिवर्स चलानी है मोटर, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपको फॉरवर्ड चलानी है तो M1 पर, ये M1 यहाँ पर दिया हुआ है, और रिवर्स चलानी है तो ये M2, तो ये M2 पर। तो हम फॉरवर्ड चलाते हैं, देखिए मैं जैसे इसमें लगाऊंगा तो आपकी मोटर रन हो जाएगी। अब मोटर की तरफ भी ध्यान दीजिए और डिस्प्ले की तरफ भी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कनेक्शन किए, जैसे M1 पे लगाया मैंने तो हमारी ये देखिए VFD की तरफ फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगी है, मोटर भी चलने लगी है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर रन का इंडिकेशन भी है फ्रेंड इसमें, और देखिए फॉरवर्ड का इंडिकेशन आ रहा है, यानी कि फॉरवर्ड मोटर चल रही है। M1 पे लगाया तो फॉरवर्ड, M2 पे तो आता तो रिवर्स LED ब्लिंक करती, रन हो गई है। और फ्रिक्वेंसी हमारी हर्ट्स में आ रही है 50। इसको अगर हमें कम ज़्यादा करना है तो अभी हमारा एक्सटर्नल पोर्ट भी लाइन में आ चुका है, हम इससे मैं आपको कम करके दिखाता हूँ। ये
देखिए मैं एंटी क्लॉक घुमा रहा हूँ, देखिए फ्रिक्वेंसी वहाँ पर VFT की तरफ देखिए कम होती जा रही है, ये देखिए कम हो गई, 6 पे आ गई है, और कम कर सकते हैं इसको, ये देखिए और कम कर दी मैंने, मैं इसको हल्के हल्के बढ़ाता हूँ दोबारा, ये देखिए 7, 8, 9, 10 जितना भी आपको जिस हिसाब से बढ़ाना है आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स था हमारा एक्सटर्नल पोर्ट ही था, एक्सटर्नल ही हमारा ऑन ऑफ के लिए था, दोनों ही एक्सटर्नल के लिए था। अच्छा फ्रेंड्स ये तो हमारा था एनालॉग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन दिए हुए हैं, डिप स्विच दिए हुए हैं, अगर आप वोल्टेज पे लेना है तो आपको डिप स्विच AVIP करेंगे, अगर करंट पे लेना है 4 to 20 पे चलाना है तो ये करंट पे ले लेंगे, ACI ले लेंगे, ACI के कनेक्शन अलग हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर टर्मिनल पे दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये हमारा दिया हुआ है करंट के लिए, ये वाला टर्मिनल है, अभी हम वोल्टेज पे है तो हमें AVI पे लगाया है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, इसको लूप हटाऊँगा यहाँ से तो ये भी हमारी बंद हो जाएगी, ये देखिए बंद हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स ये तो हमारा डिजिटल हो गया, अगर हमें फील्ड से चलानी है देखिए यहाँ से मैं इसको लूप लगा रहा हूँ तो मोटर चल रही है, और अभी हमें अगर स्टार्ट स्टॉप हमारी यहाँ कीपैड से करनी है, अब हम कीपैड से करके देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने वायर हटा दिया इसका, अब मैं इसके मोड में जाता हूँ, मोड प्रेस करेंगे, इसमें ये बटन है रन स्टार रन का, स्टॉप का, अप और डाउन का, मोड का और एंटर का, देखिए अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा दबाऊँगा तो देखिए VFD नहीं चल रही है, यानी कि हमारा पैरामीटर वही डला है, हमारा एक्सटर्नल पे डला है, इसके हिसाब से डला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अब कहाँ डला है उसको चेंज करते हैं। तो मोड में जाएंगे फ्रेंड्स, मोड में जाएंगे तो फ्रेंड्स अभी हम इसके पैरामीटर में जा रहे हैं, देखिए मैं एंटर दबाऊँगा तो ये 2 नंबर पैरामीटर है, अब 2 नंबर के 01 पैरामीटर में जाना है, तो एक बार और एंटर करूँगा, ये आ गया 2 नंबर का 01 पैरामीटर आ गया, अब इसको एंटर करूँगा, इसमें देखते हैं क्या सिलेक्शन है, इसमें देखिए फ्रेंड 01 सिलेक्शन है, जो ये 01 सिलेक्शन है वो एक्सटर्नल टर्मिनल का है ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है फ्रेंड अब 01 हमारे में 0 करेंगे तो डिजिटल कीपैड पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, और इसमें 03 करेंगे तो कम्युनिकेशन पे आ जाएगा, ऐसे ही फ्रेंड अब हम 0 पे करते हैं, ये मैंने 0 पे एंटर किया है, ये मैंने एंटर कर दिया, एंड हो गया, यानी कि अब हम इसको बाहर आ जाते हैं, इससे हर्ट्स पे आ जाते हैं, ये हर्ट्स आ गया आपका, अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा रन, तो ये देखिए रन हो जाएगी, अब ये देखिए मैंने रन स्टार्ट यहाँ से किया, मोटर रन हो गया, रन आ गया, देखिए अभी मैंने ओनली स्टार्ट स्टॉप कीपैड से करी है अभी, लेकिन हमारी स्पीड जो है इससे ही है, एक्सटर्नल ही है हमारा, इससे काम नहीं कर रहा है, देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ, जो इंटरनल इसका पोर्ट है पोटेंशियोमीटर से देखिए काम नहीं कर रहा है, अभी इसका पैरामीटर चेंज करते हैं, इस पे लाते हैं इसको भी, उसका पैरामीटर देखते हैं, अभी पहले मैं स्टॉप करता हूँ, ये मैंने स्टॉप किया, ये देखिए स्टॉप हो रही है, देखिए फ्रिक्वेंसी डाउन आ रही है, तो अभी मेरे देखिए स्टॉप हो गया, अब मैं इसके कनेक्शन भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको कीपैड से चला के दिखाऊंगा तो इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो ये भी मैंने फ्रेंड्स हटा दिया, देखो एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर, अब इसके पैरामीटर में जाते हैं फ्रेंड, इसके पैरामीटर में 2 नंबर पैरामीटर के 0 नंबर पैरामीटर में जाएंगे, ये देखिए ये अभी 01 उसके लिए था डिजिटल, इसके लिए ऑन ऑफ के लिए, और 0 नंबर पैरामीटर 2 का 0 नंबर है हमारा, वही एनालॉग का पैरामीटर है, और इसका एंटर करके देखते हैं कि पहले क्या था, पहले देखिए फ्रेंड 01 था, 01 का मतलब जो एनालॉग वोल्टेज से था, एनालॉग वोल्टेज यानी कि 10 वोल्ट जो हमने कनेक्शन किए हुए हैं हमने, तो 01 पे वो था, और 02 पे अगर करेंगे तो 4 to 20 mA लेना है आपको, तो 02 पे करेंगे, 03 के लिए आपको कम्युनिकेशन के लिए है, कम्युनिकेशन पे ऑन ऑफ करना चाहते हैं, और 4 नंबर जो पैरामीटर है फ्रेंड्स हमारा वो है हमारा कीपैड का जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर इंटरनल पोटेंशियोमीटर उसके लिए, तो मैंने 4 नंबर ओके कर दिया है, ये मैंने एंटर कर दिया है, एंड हो गया है, देखिए अब मैं बाहर आ जाता हूँ, अब मैं इसको ये बाहर आ गया हूँ, अब हमें चला के देखते हैं इसको, देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए स्टार्ट हो गया अभी, अभी हमारा इंटरनल जो पोर्ट है इससे देखते हैं हमारी स्पीड कंट्रोल होती है या नहीं होती, अभी ये देखिए 38 पे जाके रुका है, अभी मैं इसको कम करता हूँ, देखिए कम होनी शुरू हो गया फ्रेंड, ये देखिए 34, 30, 25,
24। हम इसको बढ़ा के देखता हूँ, ये देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ क्लॉक वाइज, ये देखिए तो बढ़ रही है स्पीड, देखिए हमारी, देखिए मैंने इसको फुल कर दी मैंने इसको 50 हर्ट्ज़ देखिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा डेल्टा VFD EL का पैरामीटर। अगर इसमें कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके भी पता कर सकते हैं कोई भी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, तभी नई से नई वीडियो आपको डालूंगा मैं इससे आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।